ये हमारा तेल पक गया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। इसमें हम अब हम डालेंगे प्याज। इसमें अब हमने डाल दिए हैं प्याज और हम कुछ टाइम तक इसको अब भूनेंगे प्याज को। ये देखिए ये प्याज डाल दिए हमने और इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा फेंट नहीं हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे, पहले इसका रंग थोड़ा सा फेंट होने देना है, इसका कलर थोड़ा फेंट होने लग पड़ा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, इसमें एक चम्मच हल्दी। ये अब हम 2 थोड़ी सी और डाल लेंगे क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत है जिसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ा हल्दी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये अब हमने डाल ली इसमें हल्दी, नोट फेस या तो। अब हम हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, जिसके बाद ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ी देर पकाते रहिए जब तक इसका कलर फेंट नहीं हो जाता है। प्याज थोड़े से जब तक भुन नहीं जाते हैं अच्छे से। ये हमारा प्याज हो रहा है और टमाटर भी कट के तैयार हो गए हैं। ये हमारे टमाटर कट चुके हैं, यहाँ पे चिल्ली है अभी काटने लगे। जी हाँ, ये देखिए हमारे प्याज भूनकर तैयार हो गए हैं। प्याज अच्छे से कर लिए हैं हमने, अभी प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। ये हैं हमारे टमाटो जो अब हम इसमें डालेंगे। टमाटो डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको अब हम इसमें, और थोड़ी देर जब तक टमाटर पूरी तरह पक नहीं जाते तब तक हम इनको अपना टेस्ट मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मसाले डालने लगे हैं, एक मिनट बचेगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालिए। ये हमने नमक डाल दिया। अब हम नमक डालने के बाद इसको फेंट करेंगे थोड़ा सा, जिससे ये इसमें मिक्स हो जाए पूरी तरह। और आपको पता है कि टमाटर जो हैं वो नमक से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसके लिए हमने इसमें पहले टमाटर डाल लिए हैं और उसके बाद अब नमक डाला है। ये टमाटर अब अच्छी तरह से गल चुके हैं इसमें, तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये हमारा चिकन है और इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा चिकन इसमें डल चुका, अब हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मीट मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें। ये हमारा मीट मसाला डल चुका है, अब इसको मिक्स करेंगे इसमें और थोड़ी देर तक फिर इसको रहने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, चिकन के साथ घुल मिल जाए।